पेपर्स निकलते हैं। तो पहला खर्चा ट्रेडमार्क 15,000 रुपये, दूसरा खर्चा सिलेंडर्स यानी डाइयाँ 64,000 रुपये, तीसरा खर्चा हमारे इस रैपर का होता है यानी 68 से 70 हज़ार रुपये। उसके बाद रॉ मटेरियल होते हैं जिनको मिक्सर के अंदर मिक्स करना होता है, जैसे ये एक मशीन है स्टेनलेस स्टील की मिक्सर है, इसकी मार्केट में कीमत, मिक्सर मशीन जिसके अंदर ये मटेरियल सारा मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद आ जाएगा ये ग्रेडर मशीन, इस ग्रेडर से ये छाना हो जाएगा यानी इसकी रोड़ी टूट जाएगी, इसके अंदर लगे हुए फैन से काफ़ी हद तक ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद ये पैकिंग के लिए तैयार है। और जब ये पैकिंग हो जाता है, जब पैक हो जाता है तो उसके बाद ये शॉपर इस मशीन पर लगा के इस मशीन के ज़रिए इसकी पैकिंग कर ली जाती है। ये जो मशीन है मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ प्राइस के ऊपर जो है ये मशीन प्रोवाइड कर रही है, 1,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपये तक इसकी कीमत है। इस वक्त ये जो मशीन हमारे सामने है इसकी कीमत 2 लाख रुपये है, ये डबल इन्वर्टर के साथ है, इसके अंदर LED बल्ब्स लगे हैं और फॉल्ट अलार्म भी है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये फॉल्ट अलार्म बजेगा और मशीन जो है वो बंद हो जाएगी, यानी आपका नुकसान नहीं होगा। अगर टोटल एक्सपेंस की बात की जाए कि ये छोटी सी फैक्ट्री कितने पैसों में स्टार्ट की जा सकती है, तो उसका इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये, मिक्सर 70,000 रुपये, ग्रेडर 65,000 रुपये, सिलेंडर 64,000 रुपये, शापर 70,000 रुपये, मशीन 2 लाख रुपया, रॉ मटेरियल 90,000, 1 लाख रुपया, गत्ता जिसके अंदर ये पैक होगा 10,000 रुपये और बिल्टी खर्चा तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपया। तो 6 लाख रुपये में ये एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की जा सकती है। इस वक्त जो इस मटेरियल चल रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अगर बताता चलूँ, इस वक्त चल रही है वो है सोडा ऐश 20 किलोग्राम, TSP 2 किलोग्राम, SLS 2 किलोग्राम, सोपस्टोन 4 किलोग्राम, सॉल्ट 3.2 किलोग्राम ग्लोबर सॉल्ट, सल्फ्यूनिक 4 किलोग्राम, कास्टिक लई 520 ग्राम, रंगीन दाना 1 किलोग्राम, नैनसा बेस 2.7 किलो, खुशबू 200 ग्राम और DP 26 400 ग्राम। ये फार्मूलेशन इस वक्त चल रही है जो पैक हो रही है, इसमें जो पैकिंग हो रही है वो है 40 ग्राम की, कितनी 40 ग्राम की पैकिंग हो रही है, और ये जो फार्मूलेशन है ये 120 रुपीज़ पर केजी है, 120 रुपये किलो। उस हिसाब से 40 ग्राम अगर पैक करते हैं तो एक दर्जन जो है ये हमें 80 रुपये में पड़ रहा है, 79 रुपये 70 पैसे में, हम इसको 80 रुपये कैलकुलेट करते हैं, दुकानदार को ये जाता है 100 रुपये में और दुकानदार इसे फरोख्त करता है 120 रुपये में। तो ये एक छोटी सी फिजिबिलिटी है, यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जिनके सवाल हैं तो उनके सवालों के मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे बड़े भाई जवाब भी ऐसा है कि कोई भी चीज़ है ना उसको बेचना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, आज की बात नहीं है, सोना इंतहाई खालस चीज़ होती है लेकिन उसको भी बेचने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी